The person you are speaking. हेलो हेलो जी हक्कानी साहब, क्या हाल है जी? कौन? अरे भाई कौन यार फोन कर रहे हो, पता ही नहीं कौन है। अरे मिस कॉल आपने लगाया था ना। अरे तो मैंने कल लगाया था ना हक्कानी साहब। हाँ तो मैं मसरूफ था, मैं मसरूफ था, जब मुझे फुर्सत मिली तब मैंने लगाया। कौन है तो आज फुर्सत मिली आपने? अरे मैं मोहम्मद रिफायत रजवी बोल रहा हूँ। रिफायत रजवी जी, अरे आप बात तो करते नहीं है। अल्लाह के बंदे, मैंने इससे पहले भी फोन किया था आपको, आप कह रहे मैं बात नहीं करता हूँ। आपने कहा था आप नए नए मौजू लाते हो, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था, ईसा अलैहि सलाम के ताल्लुक मैंने ये नहीं कहा था। अरे रिफायत यार बोलने से पहले मेरी बात में सुन लिया करो, ठीक है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुनो ना, करता ये छोटी मोटी, सुनो ना, मैंने ये कहा था, सुनो ना, मुझे याद है। अरे यार खामोशी के साथ सुनोगे आप, मैं फोन रख दूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो इधर उधर की लायानी किस्म की बातें करने में माहिर हो। लायानी किस्म की बात नहीं, आप करो तो बात ठीक है, हमको। अरे मैंने कहाँ किया है, मैंने कहाँ किया है जी? जी एक तो आप झूठ बोलते हो, इधर उधर की लायाने किस्म की बातें करने लगते हो, और आदमी आदमी जो बोलता है उसकी सुनते भी नहीं हो। मैं तो सुनता हूँ, पूरी सुनाई। मैंने ये कहा था कि आप हमारे मौजू पर कब बात करेंगे, ये मैंने कहा था। हमारे हमारे एक भी हमारे एक भी मौजू पर आपने बात नहीं की है। अरे यार मेरे चैनल पर 130 वीडियो अपलोड हो गई है। अरे यार वो देखो ये सब मुझे ना बताओ कि तुम्हारे चैनल पर कितनी वीडियो अपलोड है कितनी नहीं है, ठीक है ना? हक्कानी साहब यार, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो मौजूआत आपके सामने रखे थे, क्या आपने उन पर जो है शरायत को तय कर बात की है मुझसे? देखें आपका मेरा एक तयशुदा मौजू था इस्माइल दहलवी साहब को लेकर, उस पर तो आप भागे, उस पर तो आप भागे। अल्लाह अकबर, वो अपलोड है भाई, आप नहीं बात कर सके भाई, आप बात ही नहीं कर सके। अच्छा उसको आपने उसको अपलोड क्यों नहीं कराया जब नहीं करा था तुम्हें? क्या कह रहा? अपलोड क्यों नहीं किया आपने? मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था आपके, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि शरायत तय करके मुझसे गुफ्तगू कर लो, लेकिन आपने कोई शरायत नहीं तय की है। और जो मैंने मौजू रखा था उस मौजू से भी आप भागे, आपने कहा कि मैं जो है, सुनो ना, ये कौन भाग गया कौन नहीं, खामोश है आपकी भी। चलो अगर हिम्मत है तो आप मुझसे शरायत तय करके बात कर लो, अगर हिम्मत है तो मुझसे शरायत तय करके बात कर लो। हाँ तो शराइत तय कर लो, ये जो है आमाले कुरानी जो किताब है थानवी साहब। अरे भाई आप मुझसे मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से शराइत तय करके बात कर लो। अच्छा मौलाना इस्माइल दहलवी जो आपके, उन पर कौन से मौजू पर बात करोगे उनके, क्या अंग्रेजों वाली बात पर बात करोगे? भाई आप पहले बताएं कि शराइत, पहले शराइत तय कर लेते हैं, पहले शराइत तय कर लेते हैं। कई मौजू भाई देखिए, या फिर मैं कह रहा हूँ या नमाज में जो ख्याल को उन्होंने जो ना जिना के ताल्लुक से जो लिखा हुआ उसी बारे पर बात करोगे सिरात मुस्तकीम की? अरे यार मैं बोलता हूँ तो तू सुनता नहीं भाई, भाई। जी है, जी अशोक भाई, इस्माइल दहलवी का मुतलक मौजूद है, मुतलक मौजूद पकड़ने जरूरत है तो बात करें, हम तैयार है। चलो आपकी तारीफ, हमारे भाई है, आप कौन है? हम लोग फोन पर थे जब आपके कॉल आई है, तो जी आपने देखा होगा बिजी आ रहा था फोन हमारा। नहीं आपने इनको बाद में लाइन पे लिया है? नहीं, आपसे आपने फोन लगाया, हम लोग तो लाइन, अच्छा बिजी आया था, नहीं आया था आपको बिजी फोन, आपने फोन कट कर दिया था, हम लोग लाइन पे थे जब आपकी कॉल आई है। ऐसा तो ना करें, तो आप ऐसा करें, सुने रिफायत, अरे यार रिफायत फिर भाग रहे हैं आप यार, भाग नहीं रहा मुझे। मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आपकी हिम्मत है तो मुझसे जो है आप शरायत तय करके मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बात कर लें, पहले हम शरायत तय करेंगे, पहले हम शरायत तय करेंगे। लो सामीन देखिए, आमाल कुरानी पर जा रहे हैं, हमने जो इनके सामने मौजू रखा था और इससे पहले इससे कबल हमने कई मौजूआत इनके सामने रखे हैं, लेकिन शरारत तय करके इन्होंने बात ही नहीं की है। हक्कानी साहब मौजूआत के नाम बताएं, क्या मौजूआत रखे थे आप? क्या
देखो ये खलत मबहस नहीं, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप सिर्फ जो ये बताएं, क्या आप शरारत तय करके मुझसे बात करेंगे? शरारत तय करके बात करेंगे मुझसे? आपने अरे भाई ये खलत मबहस नहीं, मैं चाहता हूँ ना, अरे तो मुनाजरा हो रहा है, अभी का मुनाजरा हो रहा है कि जो खलत मबहस हो रही है तो, नहीं तो ऐसे ऐसे देखो मेरा भी वक्त जाए होगा और आपका भी वक्त जाए होगा, तो इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है कि आप जो है शरारत तय करके मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर बात कर लें मुझसे। बात करेंगे पहले मौजूद बताएं कौन कौन से दिए थे, ताकि मालूम चले कि कौन कौन से मौजूद बात नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ, बताएं कौन से मौजूद पर बात नहीं हुई हमारी। हाँ मैंने आपसे ये कहा था कि आप मौलवी अहमद रजा, सुनो मैंने आपसे ये कहा था मौलवी अहमद रजा बरेलवी के कुफर पर बात कर लो, आप नहीं कर सके। दूसरी चीज मैंने कहा था मौलाना, खामोश रहो खामोश रहो, अरे खामोश रहो यार खामोश रहो, अब फिर बोल रहा मोहतरम सामीन कहता कि मौजूआत बताओ, जब मैं मौजूआत बताने लगता हूँ तो ये रजा खानी बीच में गड़बड़ करने लगते हैं, तो ऐसे बात नहीं होती है। अगर हिम्मत है रिफायत रिफायत की है रिफायत बरेलवी, रिफायत बरेलवी पहले मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पहले पहले मेरी बात सुन मोहतरम सामईन, देखिए कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है मोहतरम सामईन, आप मुलाहिजा फरमाएं रिफायत अली रजवी कैसे भाग रहा है। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इसके मुजद्दिद ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार किया है, जबकि खुद खान साहब फाजले बरेलवी मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से ये दावा कर चुका है अलकौकबतु शाबिया में कि इसने अंबिया का इनकार कर दिया, इसने अंबिया का इनकार कर दिया, मलाइका का इनकार कर दिया, जन्नत व जहन्नम का इनकार कर दिया, तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दिया, और मौलवी अहमद रजा खान ने ये भी दावा किया, ये भी इल्जाम लगाया कि मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी अकरम साहिब लौलाक जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हेलो, अरे ये अमाले कुरानी समझा के जा, ये अमाले कुरानी समझाना। अरे तो अहमद रजा के कुफर पर बात करने में तुझे मौत क्यों आ रही? हक्कानी देखिए रिफायत रजवी की हवा निकल गई। मैं कह रहा हूँ कि अहमद रजा खान ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्जाम लगाया कि इसने अल्लाह के नबी को गालियाँ दी हैं, और ऐसी गालियाँ दी हैं, ऐसी गालियाँ दी हैं कि किसी पंडित यहूदी ने भी वो गालियाँ नहीं दी हैं, और ये भी कहता है कि ऐसी गुस्ताखी की है कि उस गुस्ताखी में किसी ताबीर की गुंजाइश भी नहीं है, उसके बावजूद अहमद रजा खान के नजदीक मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह काफिर नहीं है, मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में है, क्योंकि तमहीद ईमान महाशिया ईमान की पहचान सफहा नंबर 132 पर मौलवी अहमद रजा खान लिखता है कि और इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी की तकबीर नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर से मना फरमाया है, तो अहमद रजा बरेलवी ऐसे इंसान की तकबीर ना करके खुद काफिर हो गया जो बकौल अहमद रजा खान के अल्लाह को गालियां देता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था, और जो है तमाम ईमानियात के मानने से साफ इनकार कर दिया, उसके बावजूद अहमद रजा खान ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर नहीं की है। बात करेगा, बात करेगा, बात करेगा, चल फटाफट रजी करना, कहाँ दिया आला हजरत ने गाली, चल पेश कर। मैंने कहा सामीन देखिए, जब बड़बड़ करोगे रजा खानियों तो मेरी बात कैसे समझ में आएगी? मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, दो रजा खानी कुत्तों आला हजरत ने अल्लाह को गालियां दी है, मैंने ये जुमले कहा है? चल ये जुमले मेरे साबित कर, मेरे जुमले साबित कर, रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना तू अपनी, सामीन भी सुनेंगे और तू भी सुन लेना कि मैंने ये कहा है बकौल रिफायत रजवी के जो झूठा मक्कार है,
उसने ये कहा है मेरे ताल्लुक से कि जो है मैंने ये कहा है कि अहमद रजा खान ने अल्लाह रब्बुल जलाल को गालियां दी हैं। पहले ये साबित कर, ये कौन बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? रिफायत रजवी झूठ बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये जुबान किसकी है? अबे खामोश रहे, अबे अबे तू खामोश रहे, एक बात करे, एक रजा खान कुत्ता मुझसे बात करे, एक बात करे। अरशद भाई ये शैतानी नहीं सुनेगा, एक बात कर। हमारे कुरानी में साबिन देखिए भागा, अहमद रजा खान को इसने जो है काफिर मान लिया रिफायत रजवी ने, इसलिए मैंने जो है अल कौकबतु शहाबिया की कुफरियात अबिल वहाबिया के सफा नंबर 19 और 20। हेलो जी रिफायत रजवी साहब। जी हकानी साहब फरमाए। जी जी आपने इबारत बोल रहा था, आप सुन नहीं रहे थे यार, बोल 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 बोल, जरा समझा तो दे मुझे ये बात। नहीं आपकी तरफ से शोर शराबा हो रहा था ना, तो आप दोनों लोग बात कर रहे थे, बड़बड़ की दुकान खोल के बैठे थे, तो हम तो दोनों बात कर ही रहे थे बीच में आप। अच्छा क्या एतराज है आपका? नहीं मुझे एतराज नहीं है, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, मुझे समझाएंगे। अरे तो आप देखो एतराज करें और अपना एतराज जो है माहुकम पेश करें, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने पहले कह दिया मुझे एतराज, मुझे ये समझ नहीं है, ये जी समझने की गरज से मैंने आपको सेंड किया, मुझे समझा दें। ये ब्लू वाला जो हाईलाइट है नीचे, ये इबारत मुझे समझाएं थोड़ा, क्या है ये मसला? नहीं आप एतराज पेश करें, टोटका ये जो टोटका क्या है भाई, आप अपना एतराज माहुकम पेश करें यार हकानी साहब, हमसे ना समझें, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा, सुनो ना, हमसे ना समझें क्योंकि हम जब समझाएंगे तो आप लोग वैसे भी नहीं मानेंगे, हम लोगों की बात आप नहीं मानेंगे यार, आपके बड़े बड़े नहीं मानते हैं, हमारे उलमा की बातें नहीं मानते हैं। हमने देखो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी वजाहतें पेश कर दी, हमारे उलमा ने कितनी वजाहतें पेश कर दी, आप लोगों को समझा समझा कर थक गए, लेकिन आप लोग ना मानने वाले थे, ना माने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको बात करनी है, ठीक है ना रिफायत रजवी साहब, अगर आपको बात करनी है तो आप एतराज पेश करो और हुक्म लगाओ, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर बात करता हूँ शरायत तय करके। हकानी जी जी मैं बोलूँ हकानी साहब, जी जी आप एतराज पेश करें। हाँ हकानी साहब आपने जो करीबन चंद एक सेकंड जो आपने बात की अपनी के, भाई आप एतराज पेश करें, मेरी बात तो सुन ले हकानी साहब, मैं बोला देखे बीच में यार, देखे अरे भाई आप एतराज पेश करें, ऐसे देखो ऐसे अगर आप बात करेंगे तो इससे कोई नतीजा निकलेगा नहीं यार, दिल को कुछ आधा रखा करें हकानी साहब, देखे मैंने अपनी आज कितनी तहमुल से बात सुनी। अरे तहमुल तो आपके अंदर बिल्कुल है ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बात इधर उधर ना जाए, सिर्फ जो है मौजू के तहत बात हो जाए। आपने जो आमाल कुरानी का स्कैन लगाया है, सिर्फ आप जो है उस पर एतराज पेश करें और उसका क्या हुक्म है? अल्लाह के बंदे बोलने तो दें, अल्लाह के बंदे ठीक है, आप बता दें मुझे। हाँ बताएं क्या एतराज है? बात कर रहे हैं कानी साहब, जी जी एतराज पेश करें। क्या होता है आपको यार? भाई मैं तो आपको ललकार रहा हूँ, मुझे होता कुछ नहीं है, सुन ले, मैं तो आपको ललकार रहा हूँ कि आप जो अपना एतराज पेश करें मा हुकुम। जी जी आपने क्या भाई यार वार मुझे ना कहें भाई, मैं यार वार तुम्हारा नहीं हूँ, आप यार वार ना कहें मुझे। बड़े यारा ने डाले हुए हैं, गंगोई साहब ने, नानोत्री साहब से बड़ी यारियां डाली हुई है। अरे भाई देखो अगर इधर उधर जाना है तो मैं भी जाऊंगा तो आपकी जो है मेरी बात पुंगी बच जाएगी, तो इसलिए मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह के बंदे सुन लो, मैंने अभी सुनी, आपने कहा कि आपकी तरफ से बहुत सारे जवाब दिए गए, और जवाब क्या दिए गए? वो तहरीफात की गई है किताबों के अंदर। नहीं नहीं अरे इधर उधर की बातें मत करो यार, तहरीफात कोई नहीं की गई है, बल्कि आपके यहाँ आपके मुजद्दिद साहब ने जो क्या बोलते हैं इबारात में कता बुरीद की है वो पूरी दुनिया जानती है। मैं आपको तकवीतुल ईमान के 5 नुस्खे दे रहा हूँ, अब तकवीतुल ईमान पर गए, तहजीरुन नास पर जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं हिफ्ज़ुल ईमान पर जा रहे हैं। रिफायत रजवी तुम्हारी औकात नहीं है कि मुझसे तुम किसी भी मौजू पर बात कर सको, मैं तुम्हें ललकारता हूँ कि तुमने जो अमाल कुरानी का स्कैन पेश किया है तुम उस पर एतराज करो माहुकम के साथ, माहुकम एतराज अपना पेश करो। सुनो
अमाल कुरानी ये आपके जनाब एतराज एतराज पेश करो एतराज नंबर एतराज पेश करो एतराज मा हुक्म पेश करो 33 पर देखो सामईन हेडिंग लगाई देखो सामईन ये अपना एतराज मा हुक्म पेश ही नहीं कर रहा है। अरे इबारत तो पढ़ने दो पहले अपना एतराज मा हुक्म तो पेश करो इबारत बाद में पढ़ो। इबारत पढ़ूंगा जब तो बताऊंगा। नहीं नहीं तुम्हारा क्या एतराज है उस इबारत में तो इबारत पढ़ूंगा तभी तो बताऊंगा एतराज क्या है क्या पहले अपना एतराज पहले अपना एतराज मा हुक्म पेश करो उसके बाद इबारत मतलब पहले मैं एतराज बता दूं कि मैं जी 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 कुछ खबर नहीं नहीं बाद में मैं मुतालबा करूंगा ना बाद में मैं आपसे मुतालबा करूंगा ना कि आप इबारत पढ़ें। जब मैं कहूं कि आप इबारत पढ़ें फिर आपको इबारत पढ़नी है। इबारत पढ़ने से पहले आप अपना एतराज मा हुक्म पेश करें। सामईन देख लीजिए कैसी बौखलाहट तारी है। पहले इबारत होती है एतराज होता है कहानी यार ये तो बताओ क्या यार तुम मुनाजिर कराते हो खुद को अपने आप को। अबे मुनाजिर तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बड़ों बड़ों ने मुझे माना है तस्लीम किया है लेकिन शायद तुमको ये खबर नहीं है कि तुम क्या हो। तुमको तुम्हारे ही लोग जूते मारते हैं और तुमको तुम्हारे लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे मसलक के लोगों ने फतवे सादिर फरमाए हैं तो ऐसी बातें ना करो। इधर उधर जाओगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे तुम्हारी औकात नहीं है इसीलिए इतनी देर हो चुकी है अभी तक तुमने अपना एतराज मा हुक्म पेश नहीं किया है। पहले एतराज मा हुक्म पेश करो उसके बाद इबारत। सामईन देख लीजिए उमर भाई आप देखें ये रिफायत रजवी की जहालत आप देखें जी। अरे भाई उमर आप खामोश रहे मेरी बात हकानी साहब से हो रही है मेहरबानी उमर भाई हकानी साहब मैं आपसे बात करूंगा। आपने आला हजरत पर झूठ बोला है आपने अहकाम शरीयत की इबारत में आपने झूठ बोला है उस पर मैं आपसे बात करूंगा जो आपने मुनव्वर भाई से बात की है। उमर साहब मैं आपसे उस पर बात करूंगा हकानी साहब इबारत पढ़ रहा हूँ मैं आप नहीं नहीं पहले एतराज मा हुक्म पेश कर खानी साहब टोटका बता रहे हैं अब मैं फोन कट कर रहा हूँ मेरी बात सुनिए। उमर साहब मैं आपको फोन कर रहा हूँ मैं आपको वादा वादा रिफायत रजवी की हवा निकल गई फोन कर रहा हूँ अपना एतराज पेश नहीं कर सका। हकानी की औकात नहीं है कि रिफायत रजवी अपना एतराज नहीं पेश कर सका। उमर देवबंदी साहब आपको अब अलग से फोन कर रहा हूँ सुनो मेरा फोन उठाए भाग भाग मर्दू तेरी यही औकात है। तुम तो ब्लॉक करके मेरा नंबर रखा है मेरा नंबर ब्लॉक किया है। उमर भाई भाग गया हाँ भाग गया रिफायत रजवी भाग गया। ओ ऐसे ही है मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। जी जी मैं उमर भाई मैं ये चाहता था कि ये अपना एतराज मा हुक्म पेश करे। ये क्या कौन सा एतराज पेश किया। अरे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्ला अलैह की किताब का एक स्कैन इसने दिया है मुझे। जी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ अभी वो आमाल कुरानी का है सफा नंबर क्या। हाँ मैं बता रहा हूँ जी उमर भाई एक मिनट हाँ इसने भेजा है आमाल कुरानी इसका सफहा नंबर है 33 जी डबल थ्री हाँ इसमें लिखा हुआ है विलादत में सहूलत के लिए इद समा शक्कत व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इद अल अर्द मुद्दत व अलकत माफिया व तखल्लत। फिर उन्होंने खासियत लिखी है कि इन आयतों को लिखकर विलादत की आसानी के लिए बाईं रान में बांध दें इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से विलादत होगी मगर बाद विलादत तावीज को फौरन खोल देना चाहिए। जी उमर भाई ये उसका इतराज उसके आगे वाली इबारत पर है। जी उसका जो इतराज है उसके आगे वाली इबारत पर है उसी औरत के शेर के बाल को धोनी मकाम में खास पर देना मुफीद विलादत है। जी जी अच्छा
इसमें तो क्या एतराज है इसमें, समझ में? वही तो मैं पूछ रहा था कि अपना एतराज जो है माहुकम पेश करे, लेकिन एतराज अपना माहुकम पेश नहीं कर सका। जब ये अपना एतराज माहुकम पेश करता फिर मैं इंशाल्लाह इसके घर से और फुकाह से भी साबित करता, इसकी तो चमड़ी उधेड़ देता मैं। इसके घर में यही बात मौजूद है जी, मैं आपको स्कैन दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह जी।